दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा देखी थी। तो क्या होता है बच्चों, बताओ समावेशी शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जो हर प्रकार हर तरह के बच्चे को एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा और एक ही अध्यापकों के द्वारा अगर शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों, तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि समावेशी शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी को एक जैसे माहौल में शिक्षा प्रदान करना और सीखने में जो भी कठिनाई आ रही है उसको न्यूनतम स्तर पर ले जाना ही किसका मोटिव है, समावेशी शिक्षा का मोटिव माना जाता है बच्चों। अब बात आती है समावेशी जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमने समय की शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा को नकारा। समय की शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों को समावेशी सामान्य बालकों के साथ सामाजिक गतिविधि करने का अवसर प्रदान करती है। विशिष्ट शिक्षा नियंत्रित वातावरण में दी जाती है, लेकिन समावेशी शिक्षा बालक को पूर्ण भागीदारी प्रदान करती है। समेकित शिक्षा विशिष्ट बालकों को विद्यालय तक जाना सिखाती है, लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि उसको बच्चों के साथ पूर्ण समावेशन का अधिकार है, वो उस वातावरण में रह सकता है, उस वातावरण के साथ समायोजित हो सकता है, एक ही विद्यालय में पढ़ सकता है, एक ही कक्षा में पढ़ सकता है, ये कहती है समावेशी शिक्षा। जबकि विशिष्ट शिक्षा कहती है अलग से पाठ्यक्रम होगा। समय की शिक्षा भी अलग से पाठ्यक्रम पर जोर देती है, लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम ही ऐसा बनाया जाए ताकि प्रतिभाशाली और विमंडित बालक दोनों की योग्यताओं का आकलन हो सके, उचित सामंजस्य प्राप्त कर सके, सामाजिक कौशल का विकास हो सके। तो समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा है, हर प्रकार हर वर्ग के बच्चे को एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय और एक ही अध्यापकों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना है बच्चों, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा पहला तो ये काम करती है, आपने देखा कि वहां पर अपंग बालकों को अलग पढ़ाया जाता है, दृष्टि बाधित अगर अलग पढ़ रहे हैं तो वो सामान्य बालकों के साथ लय में लय मिला करके मानसिक प्रगति नहीं कर सकते। तो अपंग बालकों को सामान्य बालक के साथ मानसिक प्रगति का मौका तभी मिल सकता है जब सामान्य बालक के साथ वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपनी गतिविधि को पहचानेंगे, देखकर सीखेगा बच्चा कि किस प्रकार बच्चा होमवर्क कर रहा है, किस प्रकार वाद विवाद में भाग ले रहा है, किस प्रकार सीख रहा है, किस प्रकार टीचर पढ़ा रहा है। तो ये सब चीजें बच्चा तभी सीख सकता है, अपंग बालक सामान्य बालक के साथ मानसिक प्रगति समावेशी शिक्षा में ही कर सकता था। इसलिए हमें समावेशी शिक्षा की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि समय की शिक्षा में वो अपनी मानसिक प्रगति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए अलग से क्लासरूम बने हुए थे, अलग से टीचर थे, लेकिन यहाँ पर वो मानसिक प्रगति सामान्य बालक जितनी अगर उसको करनी है तो हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। सामाजिक गुणों का विकास, आपको पता है बच्चे में प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, स्नेह, ये सब जो सामाजिक परोपकार की भावना, सामाजिकता का गुण, सहानुभूति का गुण, दया की भावना, ये सब जो सामाजिक गुण है वो समावेशी शिक्षा में ही संभव हो सकते हैं। क्योंकि बच्चा अगर सामान्य बालकों के साथ
साथ बैठेगा तो सामान्य बालक की भी विशिष्ट बालक के प्रति वैसी ही अनुभूति होगी जैसी विशिष्ट बालक की सामान्य बालक के साथ होगी। जबकि समय की शिक्षा में अलग से क्लासरूम होने के कारण एक सामान्य बालक विशिष्ट बालक को दया की दृष्टि से देखता है, जिससे बच्चे में दया की भावना का विकास होता है। शिक्षण व सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित। आपको पता है अगर विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ अध्ययन करेगा बच्चों, तो उसमें क्या होगा, शिक्षण कौशल का विकास होगा, वो चीजों को कठिन विषयों को कठिन शब्दों को भी कर लेगा, क्योंकि उसको शिक्षण उसी प्रकार का करवाया जा रहा है। सामाजिक स्पर्धा, आपको पता है अगर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक ही कक्षा में अध्ययन करवाया जाएगा तो उनमें कंपटीशन प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी। जब उनके बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो वाद विवाद हो, कोई भी प्रतियोगिता हो तो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना सीखेगा और उनके साथ स्पर्धा करने की भावना बच्चे में पैदा होती है। अपंग बालक में इस भावना का विकास होता है, इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। कम खर्ची में, आपने देखा विशिष्ट शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय होते हैं, संस्थानीकरण अलग से होगा, टेक्निक्स अलग से होगी, अध्यापक जो नियुक्त किए जाते हैं उनके अलग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो महंगी पड़ती है। समय की शिक्षा विशिष्ट शिक्षा की तुलना में कम खर्चीली है, लेकिन फिर भी अलग से क्लासरूम अलग से टीचर होने की वजह से वो भी खर्चीला पड़ता है। लेकिन यहाँ पर समावेशी शिक्षा में अपंग बालक जो विशिष्ट बालक है उनको सामान्य बालक के साथ अगर शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है, खर्चा कम होता है। एक ही विद्यालय होगा, एक ही शिक्षक होगा, एक ही प्रकार का माहौल होगा, तो एक ही प्रकार की टेक्निक्स होगी, तो वहां पर क्या होगा, खर्चा कम होता है। इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाना। आपको पता है कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो असक्षम हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक हो, किसी भी तरह का विशिष्ट बालक हो, रहना इसी समाज में है, इन्हीं सामाजिक गतिविधियों को करना है, तो समाज में उसकी रुचियां पैदा करने के लिए, समाज के साथ गतिविधियां पैदा करने के लिए विद्यालय उसको एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है ताकि आने वाले समय में वो समाज के साथ अपना अनुकूलन स्थापित कर सके, समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए समावेशी शिक्षा आज हमारे देश की जरूरत है। समानता का सिद्धांत। अब आपने देखा विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बच्चों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है, समय की शिक्षा में भी क्लासरूम अलग अलग होते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही कक्षा, एक ही माहौल में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम और एक ही प्रकार के अध्यापकों से अध्ययन करते हैं, तो उनमें समानता की भावना का विकास होता है कि हम सब समान है, हम सामान्य जो बालक है उनसे कम नहीं है। तो समावेशी शिक्षा शिक्षा के समान अधिकार जो है उसके अनुकूल चलती है, समानता के सिद्धांत के अनुकूल है, इसलिए समावेशी शिक्षा आज हमारे समाज की जरूरत है। बच्चों में एकता की भावना। अगर बच्चा सामान्य बालक के साथ बैठेगा तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास होगा, एक जैसे माहौल में रहेंगे, अनुकूल वातावरण मिलेगा, प्रतियोगिताएं एक साथ होगी, खेल कूद एक साथ होगा, लंच एक साथ होगा, विभिन्न प्रकार के अभिनय प्रोग्राम जब बच्चे एक साथ करेंगे तो हर बच्चा एक दूसरे को अपना दोस्त समझेगा, अपने मित्र समझेगा, और इस समाज और विद्यालय के साथ अनुकूलन के साथ साथ उसमें एकता की भावना का विकास हो जाएगा। इसीलिए समावेशी शिक्षा आज हमारे समाज की जरूरत है। बच्चों शैक्षिक एकीकरण। अब आपने देखा एक सी टेक्निक, एक सा पाठ्यक्रम, एक से अध्यापक, एक सी कक्षा, एक सा उचित वातावरण होगा, तो एक जैसा माहौल अगर बच्चे को मिलेगा तो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक एकीकरण कर पाएगा। तो समावेशी शिक्षा की ये आवश्यकताएं हैं। एक बार और देख लो बच्चों,
अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक प्रगति करने का मौका मिल जाता है। सामाजिक गुणों का बच्चे में क्या होता है, विकास, दया, स्नेह, सहानुभूति, परोपकार। शिक्षण व सामाजिक स्पर्धा की भावना बच्चे में विकसित होती है। सामान्य बालकों के साथ देखेगा, उनके साथ गतिविधियां करेगा, अपनी उपलब्धियों का आकलन करेगा तो बच्चे में स्पर्धा की भावना विकसित होगी। प्राकृतिक वातावरण बच्चे को अगर उपलब्ध होता है, एकीकरण की भावना का विकास होता है, बता दिया मैंने, समानता के सिद्धांत पर आधारित है, बच्चों में एकता की भावना का विकास होता है और शैक्षिक एकीकरण विकसित होता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा आज हमारे भारत की जरूरत है। अब आता है बच्चों विशेषताएं। समावेशी शिक्षा में क्या क्या एक्टिविटी होती है वो देखिए। बच्चे में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक विभिन्नता की पहचान होती है। अगर बच्चे को एक साथ एक ही कक्षा और एक ही अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो देखो बच्चों में शारीरिक रूप से विभिन्नता पता चल जाएगी कि कौन सा बच्चा अपंग है, कौन सा नेत्रहीन है, कौन सा दृष्टिहीन है, कौन सा बच्चा जो है कम देख पा रहा है, कौन सा बच्चा कम सुन पा रहा है, कौन गणित में कमजोर है, कौन भाषा में कमजोर है, कौन सा बच्चा लिखने में असक्षम है। तो ये सब बौद्धिक क्रियाकलापों में मैंने आपको बताया था, किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, अवधान नहीं है, विकास की गति रुक रुक कर हो रही है, तो ये बौद्धिक। मानसिक आपको बताया, कौन सा बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आ रहा है, कौन सा बच्चा मंदबुद्धि है, कौन सा बच्चा औसत है, कौन सा बच्चा औसत से अधिक है, कौन सा बच्चा गोल्ड गिफ्टेड है, ये सब पहचान हो जाती है। सांस्कृतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब है कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कई बच्चे अंतर बहिर्मुखी होते हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, कोई सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, कई अभिनय करना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई म्यूजिक गाना चाहता है, तो ये सांस्कृतिक विभिन्नता की पहचान समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हो जाती है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विभिन्नता की पहचान होती है। शिक्षा के मौलिक सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। जब बच्चा एक ही कक्षा, एक ही प्रविधि, एक ही अध्यापक में पढ़ता है तो हमारा जो आरटीई अधिनियम है 2009 उसका सपना साकार हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सपने को साकार करती है। ये समावेशी शिक्षा की विशेषता है। सबको शिक्षा प्रदान करना, एक ही जगह एक ही माहौल में पैदा करना, ये हमारे शिक्षा का मौलिक सिद्धांत है। क्योंकि हमारा संविधान सबको कानून की दृष्टि में समान अधिकार प्रदान करता है। बच्चों अब आता है धर्म, लिंग, जाति के भेद के बिना सह संबंध शिक्षा ग्रहण करता है। आपने देखा कि हर बच्चा, चाहे वो विकलांग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको एक ही जगह एक ही छत के नीचे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है, एक साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं। स्कूल विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक अभिनियोजित किया जाता है। जो स्कूल ओपन होते हैं, स्कूल खुलने का समय होता है, स्कूल बंद होने का समय होता है, वो विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से बंद और खुल जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा का ये मेन विशेषताएं हैं। मानसिक प्रगति, हर प्रकार का बच्चा चाहे असक्षम और सामान्य बालक दोनों ही इसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, अपनी मानसिक प्रगति का विकास करते हैं, अपनी योग्यताओं का विकास करते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं बच्चों। संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, इसके अलावा भावनात्मक मान सकते हो, सामाजिक मान सकते हो, इनका विकास भी होता है। संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, आपने देखा जब विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ करेगा तो कंपटीशन की भावना आएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, वो और सीखने की कोशिश करेगा तो उसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास होगा, सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, अभिवृत्ति का विकास होगा, अभिरुचि का विकास होगा, सामाजिक जो भी टॉपिक्स है उन पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएगा, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले पाएगा, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रति
व्यक्ति जो अभिव्यक्ति है कि कई शिक्षकों का भी ये मानना है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ अलग पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक को मंद बुद्धि बालक के साथ पढ़ाया जाएगा तो उसकी अभिरुचियों का विकास नहीं हो पाएगा बच्चा। तो उनकी अभिरुचियों का विकास करने के लिए उनकी योग्यता का विकास नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चे बाल अपराधी समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। लेकिन इस समावेशी शिक्षा ने उनकी धारणाओं को नकार दिया है और उनकी अभिवृत्तियों में क्या किया है, परिवर्तन किया है कि हर प्रकार का बालक, हर तरह का बालक एक ही जगह शिक्षा को क्या कर सकता है बच्चों, प्राप्त कर सकता है। अब आता है बच्चों समावेशी शिक्षा के गुण क्या है, क्या है इस शिक्षा में कि आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व ने समावेशी शिक्षा को अपना रखा है। सभी बालकों के हितान, आपने देखा हर प्रकार का बच्चा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है तो सभी बालकों को उचित वातावरण मिलता है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करते हैं, सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, अपनी मानसिक प्रगति के उनको अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी बालकों के हितों पर जोर देती है समावेशी शिक्षा, आउटपुट पर जोर। आपने देखा समेकित शिक्षा इनपुट पर जोर देती है लेकिन ये आउटपुट पर जोर देती है कि बच्चों को केवल एक माहौल दिया जाता है, सीखने में उसकी हेल्प की जाती है और टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। बालक को माहौल दिया जाता है, संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, बच्चा उसमें अपनी समस्या दी जाती है, बच्चा उस समस्या को पहचानता है और उसकी समस्या का समाधान निकाल देता है। तो समावेशी शिक्षा आउटपुट पर जोर देती है कि अगर बच्चे के सामने समस्या आ जाए तो वो किस प्रकार उस समस्या का समाधान करेगा। पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के अनुसार, मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम इसी टाइप का बनाया जाता है ताकि हर प्रकार का बच्चा उसमें अपनी उन्नति कर सके, अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। उसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। मैंने आपको बताया कि हर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, विमंदित भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, समस्यात्मक बालक भी होते हैं, बाल अपराधी बालक भी होते हैं। तो हर प्रकार की विभिन्नता का आकलन एक कौन कर लेता है, एक अध्यापक कर लेता है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और उन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को एक ही कक्षा में इस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए कि सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनकी सीखने संबंधी कठिनाइयां उनको महसूस ना हो सके। कम लाभ के सिद्धांत, हर बच्चे का विकास होता है, हर बच्चा सीखता है समावेशी शिक्षा में अपनी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग। तो हर बालक के लाभ के सिद्धांत पर काम करती है कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। कम खर्च का विकल्प, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मैंने बताया भी था विशिष्ट शिक्षा पर सबसे ज्यादा महंगी है, समेकित शिक्षा उससे कम महंगी है, जबकि समावेशी शिक्षा जो है दोनों से कम खर्च करती है। एक ही विद्यालय, एक ही शिक्षण विधि, एक ही कक्षा में एक साथ अध्यापन कराया जा रहा है तो बच्चा क्या होता है, कम खर्चा होता है। तो समावेशी शिक्षा में कम खर्चा होता है, माता पिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं। अब बच्चे को एक ही कक्षा में अगर पढ़ाया जाएगा, एक ही स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को माता पिता को अतिरिक्त खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। उपलब्धियों में वृद्धि, हर बच्चा विकास करता है, हर बच्चे में स्पर्धा का विकास हो रहा है, उसकी योग्यताओं का विकास हो रहा है। तो बच्चा जब सामान्य बालक के साथ बैठता है तो उसके शैक्षिक अवसर अगर उसको दिए जा रहे हैं, एक शैक्षिक माहौल उसको अच्छा उपलब्ध करवाया जा रहा है तो धीरे 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 हर प्रकार के बच्चे की उपलब्धियों में वृद्धि होती है। उन्नत सामाजिक समायोजन, अब आप जानते हैं
हर बच्चा समान है, हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा दी जा रही है, एक जैसे अध्यापकों के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा समाज के साथ जल्दी से समायोजित हो जाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था कि समाज के साथ अनुकूलन और सामंजस्य बच्चे को सिखाया जाए। और समावेशी शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल इसीलिए किया गया ताकि हर बच्चा इस समाज के साथ समायोजन कर सके। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रदान करती है ताकि हर बच्चे का उन्नत सामाजिक समायोजन हो सके। उसके बाद आता है अभिवृत्ति में परिवर्तन। अभिवृत्ति में परिवर्तन तो हर की में आया है, चाहे माता पिता हो। पहले के माता पिता विकलांगों को एक असहाय मानते थे, किसी भी प्रकार का हेल्पफुल नहीं मानते थे। लेकिन आज माता पिता के विचारों में परिवर्तन हो गया है, वो समझने लग गए हैं कि विकलांग बच्चे को भी अगर उन्नत सामाजिक वातावरण दिया जाए तो विकलांग बालक भी इस समाज में बहुत कुछ कर सकता है और इस समाज के साथ सामाजिक समायोजन को स्थापित कर सकता है। माता पिता में परिवर्तन आया है। और जब एक सामान्य अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है और एक विकलांग बच्चा एक सामान्य बालक से बहुत अच्छा आंसर दे रह पा रहा है, तो अभिभावकों की अभिवृत्ति में भी क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। प्रशासन की नीतियों में परिवर्तन जब होता है, जब अरुणिमा सिन्हा जैसी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाती है, तो प्रशासन भी समझने लग गया है कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से किसी प्रकार से अलग नहीं होते हैं। अगर उनको उचित माहौल दिया जाए तो वो समाज की गतिविधियों के साथ उचित समायोजन स्थापित कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आता है क्या है ये, सम उद्देश्यों को प्राप्त करने का अधिकार। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। हर बच्चा सीखता है, हर बच्चा में अलग अलग कौशल होता है, अपने अपने कौशल को धीरे धीरे वो विकसित करता है। उसको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और समावेशी शिक्षा हर बच्चे को ये अधिकार देती है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सको। फिर आता है बच्चों अधिकारों पर। आपको पता है हर बच्चे को क्लास में बैठने का अधिकार है, हर बच्चा खेल कूद कर सकता है, हर बच्चा निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो समान अधिकार अगर स्कूल के एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारे समाज में होता है, संवैधानिक प्रावधानों में होता है, तो ये समावेशी शिक्षा भी बच्चे को कहती है कि हर बच्चा समान अधिकारों वाला है, हर बच्चे को उचित वातावरण दिया जाना चाहिए, हर बच्चे को टेक्निक उपलब्ध होनी चाहिए, हर बच्चे के पास अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उसको संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। वैध पाठ्यक्रम। अब आपको पता है विशिष्ट क्लास में विशिष्ट बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है तो उनका पाठ्यक्रम बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाएगा तो सामान्य बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत हार्ड होते हैं। अगर मान लो विशिष्ट बालक धीरे धीरे शिक्षण कार्य के द्वारा या संसाधनों की हेल्प के द्वारा बहुत अच्छा कर लेता है, वो धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम अपनी नॉलेज का विकास करता जा रहा है, तो विशिष्ट बालक को यहाँ पर एक उचित प्लेस मिलता है ताकि वो अपने पाठ्यक्रम, अगर उसको वृहद उत्पन्न होता है तो उसकी नॉलेज में वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और वो बच्चा आगे जाकर के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये है बच्चों समावेशी शिक्षा के गुण। पहला देखो सभी बालकों के हितार्थ, दूसरा आउटपुट पर जोर, पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान, लाभ के सिद्धांत पर क्या करती है कार्य करती है, कम खर्च का इसमें विकल्प होता है। विशिष्ट शिक्षा महंगी है जबकि समावेशी शिक्षा कम खर्च का विकल्प है। माता पिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता, जबकि स्पेशल एजुकेशन में माता पिता की राय भी ली जाती है, उनको बार बार स्कूल में बुलाया भी जाता है, तो माता पिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। सामान्य विद्यालयों में उपलब्धियों में, बच्चे की उपलब्धियों में वृद्धि होती है, उन्नत सामाजिक समायोजन होता है, अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है और जीवन के उद्देश्य को बच्चा प्राप्त कर पाता है। इसमें अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, वृहद पाठ्यक्रम है,
तो बच्चा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बहुत अच्छा कर पाता है। अपंग बालकों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा गया, उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया, उनका पूर्ण समावेशन किया गया और सामान्य शिक्षा में उनकी पूर्ण भागीदारी प्रदान करना ही बच्चों क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज आपने आवश्यकता, विशेषताएं और गुण, ये तीन टॉपिक्स आपने क्लियर किए। तो मैं आपसे दोबारा पूछूं, समावेशी शिक्षा क्या है? हर प्रकार, हर तरह के बच्चे को एक जैसे माहौल में, एक जैसे वातावरण में, एक कक्षा में, एक विद्यालय में अगर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है बच्चों, तो वो जो शिक्षा होती है बच्चों वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए जो तीन टॉपिक्स है आपको कॉपी में जरूर उतारना है और ये जो मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं उनको आप कैसे रेफरेंसेस बुक के थ्रू बढ़ा सकते हैं, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, उनकी डिटेल्स को समझेंगे, जितना मैं आपको समझा रही हूँ उसको सुनेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है बेटो, बच्चों रीट और आपका सीटेट दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुने, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो सके बच्चों, फायदेमंद हो सके। अब जो बच्चों टॉपिक आता है वो आता है क्या, देखो एक आपने इसका गुण ये भी हो सकता है, संस्थानीकरण में कम खर्च, क्या हो सकता है? अब आपने देखा एक ही जगह बच्चा अध्ययन कर रहा है, एक ही जगह क्या कर रहा है बच्चा अध्ययन कर रहा है, तो संस्थानीकरण और आवागमन में भी क्या होता है बच्चों, खर्चा कम होता है, खर्चा कम होता है। तो संस्थानीकरण इसका नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है क्या, संस्थानीकरण एवं आवागमन के खर्च में बचत होती है। संस्थानीकरण एवं आवागमन के खर्च में बचत, छात्रों की बेहतर उपलब्धि और कई पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा असक्षम बालकों में, ये पॉइंट्स देख लें, में परिवर्तन ताकि वो सामान्य बालकों के साथ क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो संस्थानीकरण और आवागमन दोनों के खर्चों में कमी होती है, छात्रों की बेहतर उपलब्धि होती है क्योंकि विशेष कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने से उनमें कई प्रकार की हीन भावनाएं आ जाती है कि वो सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर सकते, उनकी ये भावना आ जाती है। लेकिन जब वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चों, तो इस तरह की भावना उनके मन में नहीं आती है। सामाजिक एकीकरण, अब समाज के साथ रहेगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा, विद्यालय में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, तो बच्चे में सामाजिक एकीकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शैक्षिक एकीकरण भी होता है, क्या होता है, शैक्षिक एकीकरण भी होता है, इससे समावेशी शिक्षा में। तो आपने देखा समावेशी शिक्षा के ये सब गुण हैं बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना, पॉइंट्स को समझना, जितने ज़्यादा पॉइंट्स को समझोगे, समावेशी शिक्षा को समझोगे, आप समावेशी शिक्षा के बारे में उतना ही अच्छा लिख पाओगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ, तो नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। मैं रेनु वैद, जो कि आपको बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को क्लियर करा रही हूँ, समावेशी विद्यालय वाली बुक को क्लियर करवा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, व्यूज़ दें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।